आज गुना में भाजपा अनुसूचित जाति के प्रदेश मंत्री सुनील मालवीय और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक के नेतृत्व में समस्त वाल्मीकि समाज के द्वारा शहर में जुलूस निकालते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां एसडीएम अंकिता जैन की नामौजूदगी में तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा अनुसूचित जाति के मंत्री सुनील मालवीय ने कहा कि शायर मुनव्वर राणा, जो कि महर्षि वाल्मीकि पर टीवी और अखबार के माध्यम से अभद्र टिप्पणी की है, इस वजह से समस्त वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। इसलिए हम सभी ये मांग करते हैं कि शायर मुनव्वर राणा पर FIR दर्ज कर अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो समस्त वाल्मीकि समाज के द्वारा पूरे प्रदेश में साफ सफाई की व्यवस्था को रोक दिया जाएगा। एक टीवी चैनल पर शायर लखनऊ निवासी मुनव्वर राणा द्वारा हमारे आराध्य श्री राम जी के जन्म के 60,000 वर्ष पहले उनका जीवन चरित्र लिखने वाले त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि भगवान के खिलाफ जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, तालिबानियों से उनको जोड़ा है, हम संपूर्ण वाल्मीकि समाज और संपूर्ण गुना का हिंदू समाज ऐसे व्यभिचारी और देश में गलत माहौल फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ, मुनव्वर राणा के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग करते हैं। अभी हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। देश के गद्दार मुनव्वर राणा द्वारा वाल्मीकि भगवान के बारे में जो टिप्पणी की गई है उसकी मैं निंदा करता हूं। उनको हिंदू समाज के ग्रंथों का ज्ञान नहीं है कि वाल्मीकि भगवान ने रामायण लिखी है और पूरा हिंदू समाज आज हिंदू समाज में रोष है। तालिबानी बात करने वाले मुनव्वर राणा बहुत दिनों से ये कृत कर रहे हैं देश में, कभी अपने अवार्ड वापिस करते हैं, कभी हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। उनको मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को बचाने के लिए तालिबान जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ नहीं है। और हिंदुस्तान में अगर जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में जिस हिसाब से रह रहा है वो कहीं भी उनको ये सुविधा कहीं नहीं मिल सकती।